हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन लाइन पे यूज होने वाले डैम्पर के बारे में। आखिर ये डैम्पर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और टाइप्स ऑफ डैम्पर्स के बारे में, जो कि ये वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आखिर जो डैम्पर है ये क्या है। तो गाइस, अगर आप डैम्पर को करीब से देखे होंगे तो ये जो है एक सिंगल रॉड रहता है और जिसके दोनों तरफ जो है वेट लगे हुए रहते हैं, जो कि देखने में एक डंबल शेप का तरह होता है। अब गाइस, मैं आपको जो है इसका रीज़न बताता हूँ आखिर ये जो किस रीज़न के वजह से लगाया जाता है, जिससे कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्या फंडामेंटल इसमें जो है यूज़ किया गया है। ये जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, यानी कि दो टावर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस टावर्स में जो कंडक्टर्स लगे होते हैं वो कंडक्टर्स भी जो है बहुत हैवी वेट के होते हैं। तो ये हैवी वेट होने के कारण ये जो कंडक्टर्स जो है दो पोल्स के बीच में रहते हैं, तो इससे थ्रू जब हवा पास होती है, यानी कि जब हवा चलना स्टार्ट होता है, तो ये कंडक्टर्स में जो है वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अब वेट के कारण जो है इसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी वाइब्रेशन को जो है मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है डैम्पर्स का यूज़ करते हैं। गाइस, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये डैम्पर्स का यूज़ जो है ट्रांसमिशन लाइन पे क्यों किया जाता है, तो आपको बस एक सिंपल सा आंसर ये बताना है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो वाइब्रेशंस आते हैं उस वाइब्रेशन को जो है डिक्रीज करने के लिए हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन पे डैम्पर का यूज़ करते हैं। गाइस, अब बात करते हैं ये जो डैम्पर्स है इसके कितने टाइप्स हैं। बेसिकली जो है ये डैम्पर जो है तीन टाइप्स के हैं। सबसे पहला टाइप है स्टॉक ब्रिज डैम्पर, जिसे और एक नाम से जाना जाता है, वो है डॉग बॉन्ड डैम्पर। गाइस, ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर के बारे में जो है सबसे पहले जान लेते हैं। स्टॉक ब्रिज डैम्पर ही जो है सबसे ज्यादा अधिकतर यूज होता है और जो कि हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन पे देखते हैं। स्टॉक ब्रिज टाइप का जो डैम्पर है इसके जो है दोनों तरफ वेट जो है लगे हुए होते हैं, जिसके सहारे ये जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को जो है मेंटेन करता है। गाइस, दूसरा जो है वो है स्पाइरल वाइब्रेशन डैम्पर। ये और एक नाम से प्रचलित है, हेलिकल वाइब्रेशन डैम्पर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल वाइब्रेशन डैम्पर, ये जो है स्पाइरल यानी कि स्प्रिंग टाइप का होता है और स्प्रिंग के तरह जो है इसे कंडक्टर में लगाया जाता है और ये भी जो है वाइब्रेशन को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो स्पाइरल वाइब्रेशन डैम्पर है, इस स्पाइरल वाइब्रेशन डैम्पर का जो है दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, वो है ग्रिपिंग सेक्शन और डैम्पिंग सेक्शन। गाइस, अब आपसे जो है इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि ये जो स्पाइरल टाइप का जो डैम्पर है इस डैम्पर के जो है कितने सेक्शंस में जो है डिवाइड किए गए हैं, तो आपको बताना है इसे जो है दो सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, एक हो गया ग्रिप सेक्शन और दूसरा हो गया डैम्पिंग सेक्शन। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है स्पेसर डैम्पर, और ये डैम्पर का भी यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये जो स्पेसर टाइप का डैम्पर्स होते हैं ये उसी जगह लगे होते हैं एक साथ जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो है कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब बहुत से ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे देखे होंगे जहाँ पर जो है एक सिंगल फेज के लिए जो है तीन चार कंडक्टर को एक साथ जो है ले जाया जाता है, उस कंडक्टर्स में जो है वाइब्रेशन को रोकने के लिए ये स्पेसर डैम्पर को लगाया जाता है। गाइस, ये जो स्पेसर डैम्पर है इसे भी जो है तीन टाइप्स में जो है बांटा गया है, जो कि है ट्विंग स्पेसर डैम्पर, ट्रिपल स्पेसर डैम्पर और क्वाड स्पेसर डैम्पर। अब ये जो है ट्विंग का मतलब दो होता है, ट्रिपल का मतलब थ्री और क्वाड का मतलब फोर, यानी कि जहाँ पर एक साथ दो केबल जा रहे हैं उस जगह में ट्विंग का यूज़ होता है, जहाँ पर एक साथ में तीन केबल्स जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन से उस जगह में हम लोग ट्रिपल स्पेसर डैम्पर का यूज़ करते हैं, और जिस जगह में एक साथ जो है चार कंडक्टर्स जो है ले जाया जाता है उस जगह में हम लोग जो है क्वाड स्पेसर डैम्पर का यूज़ करते हैं। गाइस, मैंने अभी जो भी बातें बताया ये जो है डैम्पर से रिलेटेड है, तो अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रियल फैक्ट के बारे में। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।